नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के सितारे इन दिनों गर्दिशों में चल रहे हैं। एक मुसीबत हटती नहीं है कि दूसरी सामने आ जाती है। कभी उनके विवादित बयान उनकी मुश्किलें खड़ा कर देते हैं, तो कभी सपा सरकार में किए गए अवैध काम। आजम खान पर इतने केस चल रहे हैं कि फाइलें भी संभल में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब तक लगभग 85 से ज्यादा मुकदमे आजम खान के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटक रही है और कभी भी आजम खान सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इसी बीच अब एक और ऐसा केस खुलकर सामने आया है जिसे लेकर कोर्ट ने आजम खान पर शिकंजा कस दिया है। कोर्ट ने ऐसा फरमान जारी किया है कि जिसने आजम खान के होश उड़ा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान पर एक साथ संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, जिससे अब आजम खान को सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। खबर है कि खान साहब के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट आचार संहिता के उल्लंघन और सेना के जवानों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जारी किया गया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने तहसील स्वार में रोड शो के दौरान सेना के जवानों पर ऐसी अमर्यादित बयानबाजी की थी जिसे सुनकर शायद उन लोगों का खून खौल जाएगा जो अपने देश के वीर जवानों पर हमेशा नाज करते हैं। जून 2017 में आजम खान ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर और मिजोरम जैसे राज्यों में महिलाओं ने फौजियों से रेप का बदला लिया है। जवानों के जिस्म के जिस हिस्से से महिलाओं को दिक्कत थी, वो उस हिस्से तक को काट ले गई। एक बार आप खुद सुनिए आजम खान का सेना पर दिया हुआ शर्मनाक बयान। कश्मीर, त्रिपुरा, बोडो तहरीक, अरुणाचल, आसाम, बंगाल, झारखंड, औरतों ने मारा फौज को, महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। तो सुना आपने आजम खान का बेहुदा बयान। अब इसी बयान ने आजम खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब ईडीजे 6 की कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 18 जनवरी तक पेश होने का आदेश दे दिया है। अगर आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। साथ ही कई और मामलों में भी 16 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि शर्मनाक बयानबाजी करने वाले आजम खान अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। बता दें कि हाल ही में आजम खान ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यहां तक कि प्रशासन की ओर से इस प्रदर्शन को करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी आजम खान ने पार्टी कार्यालय की छत पर चढ़कर इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। तो वहीं पिछले महीने 16 तारीख को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। साल 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम ने हल्फनामे में अपनी उम्र की गलत जानकारी दी थी, जिस पर हाल ही में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव के दौरान दिए गए अब्दुल्ला आजम के हल्फनामे में उम्र को गलत पाया, इसलिए कोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकों को रद्द कर दिया। खैर कुछ भी हो, मगर यह साफ है कि जैसा आजम खान ने बोया है वैसा ही वो इन दिनों काट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आजम खान 18 तारीख को कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। जिस तरह से कोर्ट आजम खान पर डंडा चला रहा है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।